15 दिसंबर 2021 को महानगर मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र लाजपत नगर के मैदान में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. प्रवीण कुमार तोगड़िया महानगर के विशिष्ट नागरिकों से मिलकर संवाद करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी के साथ डॉ. प्रवीण तोगड़िया द्वारा एक विशेष प्रेस वार्ता का भी आयोजन रखा गया है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन कार्यक्रम स्थल लाजपत नगर रामलीला मैदान में किया गया, जिसमें क्षेत्रीय महामंत्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद मनोज व्यास द्वारा कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, आज हम लोग यहाँ महानगर की टोली की बैठक थी और उसका बैठक का जो विषय था अभी डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष हैं, उनका सारे देश में प्रवास चल रहा है और अपने मेरठ प्रांत में भी उनका प्रारंभ होने वाला है प्रवास। उसी निमित्त कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, कार्यकर्ता संवाद, इस विषय को लेकर मुरादाबाद आ रहे हैं। 15 तारीख को मुरादाबाद आ रहे हैं और यहाँ लाजपत नगर रामलीला ग्राउंड में शाम को 7 बजे उनका कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में उनका स्वागत है और फिर उसके बाद प्रेस के साथ वार्ता भी है। इतना उनका एक कार्यक्रम है। उसके बाद रात्रि विश्राम है मुरादाबाद के अंदर और अपने पुजारी बंधुओं का भी एक विषय है, पत्रकारों के बीच में वो उसे भी रखेंगे कि प्रदेश सरकार पुजारियों को वेतन दे, इसी प्रकार वेतन दे जिस प्रकार हिंदुस्तान भर के सभी प्रदेशों के अंदर मुल्ला मौलवियों को वेतन दिया जा रहा है। इसके लिए ये बैठक में मुख्य रूप से पंडित कामेश्वर नाथ मिश्रा, पंडित तेज नारायण मिश्रा, वंदना शर्मा, राकेश अत्री, स्वाति शर्मा, अमित अग्रवाल, श्याम कृष्ण रस्तोगी के साथ RBD प्रांत अध्यक्ष रोहन पैचाना उपस्थित रहे।